ऑल न्यू वर्ना, और जैसे आप देख सकते हैं काफ़ी डिस्टिंक्टिव लुक है इसका, पूरा रनिंग लाइट है यहाँ उस एंड से इस एंड तक। और इसमें अगर आप टॉप मॉडल लेते हैं, अगर आप ऑटोमेटिक लेते हैं तो उसमें ADAS मिलता है, नहीं तो जैसे आप ये देखिए ये SX ऑप्शनल मैनुअल खड़ी है तो इसके अंदर ADAS नहीं है, और ना कि नई 360 कैमरा है। और इसके व्हील्स आपको मिल जाएंगे 205/55 R16 के, मतलब 16 इंच के व्हील्स हैं, और काफ़ी इंटीरियर काफ़ी प्लश है। और अगर आप देखें इसके डोर हैंडल्स बड़े ही यूनिक और डिफरेंट डिज़ाइन में कट हैं और काफ़ी अच्छा लगता है। और इसके अलावा आप देखेंगे तो जैसे अब ये मैनुअल गाड़ी है और ये टर्बो नहीं है, तो टर्बो DCT अगर होगी तो आपके ऑल 4 डिस्क ब्रेक मिलेंगे, नहीं तो आपको सिर्फ आगे 2 डिस्क ब्रेक मिलेंगे और पीछे वही सेम पुराने ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे। और इसके जो पीछे जो एक डिस्टिंक्टिव फीचर इसका ये है कि इसकी ये पूरी कनेक्टेड लाइट है इस एंड से उस एंड तक, जो कि अभी Hyundai अपनी कार्स में करने लगा है, वेन्यू में उनने ऑलरेडी कर दिया है, और Tucson में आती है और इसमें आती है। शार्क फिन एंटीना है, और अगर आप ध्यान से देखेंगे इस गाड़ी को तो आप देख पाएंगे कि ये गाड़ी थोड़ी कूपेश डिज़ाइन में है। ऑलरेडी सनरूफ है इसमें, इलेक्ट्रिक सनरूफ आता है, पैनोरामिक नहीं है क्योंकि ये कूपेश डिज़ाइन है इसका। बट मुझे लगता है कि इसमें इससे एक इशू हो सकता है कि इसकी जो हेडरूम है पीछे का उस वो थोड़ा सा इम्पैक्ट करेगी। इसके अलावा इस गाड़ी की लेंथ पहले से बढ़ चुकी है, और अगर आप इसके इंजन ऑप्शंस देखना चाहेंगे तो मैं बता देता हूँ, तो इसमें दो इंजन ऑप्शंस आ रहे हैं डीजल, तो इसमें दो इंजन ऑप्शन आते हैं, एक आता है जो अपना टर्बो आता है और एक नॉन टर्बो आता है। जो नॉन टर्बो है वो 115 BHP बनाता है और साथ में 143 न्यूटन मीटर टॉर्क है, और जो टर्बो वाला है जो कि DCT आता है जिसके अंदर 4 आपको डिस्क ब्रेक मिलेंगे, वो आता है ऑलमोस्ट 160 हॉर्स पावर के साथ और साथ में 243-250 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। तो वो गाड़ी काफ़ी पावरफुल है अपने सेगमेंट की, और इस गाड़ी की लेंथ ऑलरेडी बढ़ चुकी है, ये ऑलमोस्ट होंडा सिविक के लेंथ पे आ रही है अब, जो पुरानी होंडा सिविक जो आ रही थी बीच में जो डिसकंटिन्यू हो गई। जैसा आप देख सकते हैं कि इसमें रिक्वेस्ट सेंसर्स हैं दोनों साइड, पैसेंजर और को पैसेंजर साइड, और मैंने रिक्वेस्ट सेंसर दबा दिया तो गाड़ी खुल गई है, और इंटीरियर काफ़ी प्लश है और काफ़ी अच्छा लगता है। बोस के स्पीकर्स आपको मिल जाते हैं, और साथ में इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है, प्लस रिट्रैक्टेबल आपको ORVM मिल जाता है सॉरी। और इसके अलावा ये सारे कंट्रोल्स आपको यहाँ मिल जाते हैं, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है, एम्बिएंट लाइटिंग है, अगर आप ध्यान से देखिए दिस इज द एम्बिएंट लाइटिंग, ये यहाँ पे भी है, फॉर सम रीज़न अभी इट इज़ नॉट वर्किंग, आई स्पोक विद द Hyundai के जो यहाँ पे जो वो हैं। और ये जो आप जो पर्पल में देख रहे हैं दिस इज द एम्बिएंट लाइटिंग ऑफ दिस कार, और इसका डिज़ाइन अगर आप देखें तो काफ़ी हद तक कह सकते हैं कि XUV700 या Mercedes इंस्पायर्ड है, क्योंकि ये पूरा कनेक्टेड देखने की कोशिश की है। बीच में एक्चुअली ये दो स्क्रीन हैं, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि वो बीच में देर इज़ अ सेपरेशन है ना। और इसके अलावा इसके अंदर आता है वायरलेस चार्जर है, 360 कैमरा इस मॉडल में नहीं है, और ADAS वाले में हो सकता है 360 कैमरा है। वेंटिलेटेड सीट्स है इसमें, कूल्ड भी है और हीटेड भी है। और इसके अलावा इसकी स्क्रीन काफ़ी, मतलब हमने चला के देखी, काफ़ी अच्छी है। स्टीयरिंग 2-spoke स्टीयरिंग दिया है इसमें, जो कि डिफरेंट है बाकी Hyundai कार से। और इसमें अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल सीट्स दे रखी हैं, बट जो इसमें ऊपर नीचे वाला फंक्शन है वो मैनुअल दे रखा है। और जैसे कि आप देख सकते हैं सेडान गाड़ी है, और कुछ की हाइट 6'4" है, और अगर आप देखें तो हेडरूम ठीक ठाक है, ज़्यादा नहीं है फॉर मी, हाँ फॉर मी, बट एक्चुअली सीट पूरी पीछे कर रखी है और लिटी हुई भी है, राइट है ना, काफ़ी लिटी हुई भी है अगर आप देखें, हाँ बिल्कुल नीचे है, और हेडरूम ठीक ठाक है। और अगर आप लेग रूम देखें तो लेग रूम एम्पल है काफ़ी है। थाई सपोर्ट कैसा है? थाई सपोर्ट इज़ ऑल्सो फाइन, वेरी गुड, थाई सपोर्ट इज़ ऑल्सो नाइस। और अगर आप देखें तो स्टीयरिंग टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों वे में एडजस्ट हो सकता है, और ये काफ़ी अच्छा लगा हमें। और ऑटो हेडलैम्प्स अवेलेबल है, बट आई थिंक दे डोंट हैव रेन सेंसिटिव वाइपर्स, राइट, सो दैट्स व्हाट वी गॉट टू नो। बोस के स्पीकर्स हैं और काफ़ी अच्छे स्पीकर्स हैं, अगर आप देखें पूरा डिजिटल डिस्प्ले है और काफ़ी अच्छा है, और दोनों का जो रेजोल्यूशन और ये है क्वालिटी वगैरह का बहुत अच्छा है। और अगर आप देखें इसमें एक चीज़ और हमें दिख रही है कि इसमें ना पीछे की सीट बेल्ट का दिखा रहा है, उधर रिमाइंडर दिखा रहा है, अगर आप उसको देखेंगे वो दिखा रहा है। और इसके अलावा इसमें एक चीज़ एक अच्छी लगी, देखो एम्बिएंट लाइट आई हैव ऑलरेडी शोन यू गाइस, बट सी वेंटिलेटेड सीट्स आर अवेलेबल, वेंटिलेटेड एंड हीटेड सीट्स बोथ आर अवेलेबल। एंड वन मोर थिंग विच इज़ यूनिक टू दिस डिस्प्ले इज कि इसके अंदर ये ना स्विच होता है, राइट, व्हेन यू प्रेस दिस वो मीडिया कंट्रोल्स में चला जाता है, और जब आप ये नॉर्मली प्रेस करते हैं तो ये AC कंट्रोल्स की तरह काम करता है। तो इवन इसके जो डायल्स हैं वो जैसे अभी टेम्परेचर कंट्रोल कर रहे हैं, अगर मैंने इसे स्विच किया तो ये ट्रैक आपका ये म्यूजिक कंट्रोल कर रहा है, राइट।
तो ये काफ़ी डिफरेंट है। ये मैनुअल गाड़ी है और इसके अंदर वायरलेस चार्जर अवेलेबल है। तो ये ऑल न्यू वरना है और आप इसमें देख सकते हैं ये SX ऑप्शनल मैनुअल ट्रांसमिशन है और टॉप मॉडल कह सकते हैं मैनुअल ट्रांसमिशन में। तो आप देख सकते हैं जैसे कि इसमें फ्रंट पार्किंग सेंसर्स हैं बट इसमें फॉग लैम्प्स नहीं आते हैं और ये इसलिए हो सकता है क्योंकि जो हेडलैम्प्स है वो काफ़ी नीचे की तरफ प्लेस्ड हैं, तो इस हो सकता है एक ये रीज़न हो सकता है इसका। और बट एक्चुअली जो Hyundai की जितनी भी नई गाड़ियाँ आ रही हैं तो उनमें मैं देख रहा हूँ कि फॉग लैम्प्स मिसिंग हैं, तो ये हम थोड़ा मिस कर चुके थे तो ये मैंने बाद में ऐड कर दिया है। देखें गाड़ी चालू है और यहाँ पे ये सॉफ्ट टच नहीं है, एयरबैग की बैजिंग है। इसके अलावा अगर आप नीचे देखेंगे तो ग्लव बॉक्स मिलता है और ग्लव बॉक्स कूल्ड है। अगर आप ध्यान से देखें काफ़ी जगह है ग्लव बॉक्स के अंदर। देर इज़ अ ट्रे एज वेल हियर टू देर इज़ अ कंपार्टमेंट, थोड़ा सा वो डिवाइड हो जाता है। तो ये मैं आपको ऑलरेडी वायरलेस चार्जर दिखा चुका हूँ, वायरलेस चार्जर की जगह है। और इसके अलावा यहाँ पे अगर आप जो आर्मरेस्ट देखेंगे तो आर्मरेस्ट में भी काफ़ी जगह है, काफ़ी डीप है और काफ़ी जगह है। और आई थिंक बट ये आर्मरेस्ट एडजस्टेबल भी है, आगे पीछे टिल्ट आगे पीछे शिफ्ट भी हो जाता है, तो ये काफ़ी अच्छी फीचर है। इसके अलावा आप सनरूफ देखें तो सनरूफ आप देख सकते हैं कि इसमें इलेक्ट्रिक सनरूफ है, तो वन टच अप और वन टच डाउन और काफ़ी सही है और काफ़ी मतलब ठीक ठाक खुल जाता है। बट आई वुड सजेस्ट नो वन टू गेट आउट ऑफ द सनरूफ। और इसके अलावा आप देखेंगे तो और कोई फीचर, हाँ अगर आप देखें बॉटल होल्डर्स अवेलेबल हैं, बॉटल होल्डर्स भी काफ़ी देर इज लाइक काफ़ी स्पेस है तो आराम से इसमें एटलीस्ट दो तो एक एक लीटर वाली बॉटल आ जाएगी और उस तरफ भी सेम है अवेलेबल है। और इसके अलावा इसमें एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि ये जो मटेरियल दे रखा है वो काफ़ी सॉफ्ट टच दे रखा है और काफ़ी अच्छा वेल स्टिच लगता है, काफ़ी प्रीमियम फील आ रही है गाड़ी के अंदर। और जो जो एसी का ये जो दे रखा है ना, एसी को बहुत अच्छे से इनने इस डिज़ाइन लैंग्वेज के अंदर उनने वो किया है, तो आप ध्यान से अगर देखेंगे तो ये एक ही उसमें एक ही फिनिश में आ रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही प्रीमियम लग रहा है। ऐसा लग नहीं रहा कि वो अलग अलग एसी वेंट्स है, बट एक्चुअली एसी वेंट्स सिर्फ इधर है। अगर आप देखेंगे एसी वेंट्स सिर्फ इधर है और इधर एसी वेंट्स नहीं है, बट इट हैज़ बीन इंटीग्रेटेड सो वेल दैट बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा ऑटो एसी तो है ही। और अब मैं पीछे जाके आपको पीछे की सीट दिखाता हूँ। ट्वीकर्स आप देख सकते हैं, ट्वीकर्स यहाँ दे रखे हैं गाड़ी के। और अब पीछे वाली सीट पे जाके मैं बताता हूँ। और ये गाड़ी मैनुअल है जैसे मैंने आपको बताया था, ऑटोमेटिक वाली अभी अवेलेबल नहीं थी। आप देख सकते हैं कनेक्टेड लाइट्स अभी चालू हैं और इनका पीछे का लुक कैसा आता है आप देख सकते हैं, बहुत ही प्रीमियम और अच्छी लगती है ये। दिस इज़ एन SX ऑप्शनल गाड़ी है ये और मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। तो आप जैसे देख सकते हैं ये ऑलमोस्ट 6 फीट के पैसेंजर के हिसाब से एडजस्टेड है, राइट। और अगर आप हेडरूम देखें तो क्योंकि ये कूपे डिज़ाइन है इसका तो हेडरूम ज़्यादा नहीं है, बट लेगरूम ठीक है, लेगरूम इज इनफ, लेगरूम इज फाइन। और थाई सपोर्ट भी ठीक है, सपोर्ट थोड़ा बेटर है, ओके। और इसके अलावा इसके अंदर आपको मिल जाता है यहाँ पे दो टाइप सी फास्ट चार्जिंग पोर्ट्स और साथ में एसी वेंट्स भी अवेलेबल हैं। और में एक चीज़ जो है इसके अंदर सनशेड्स अवेलेबल हैं, मैनुअल है बट सनशेड्स अवेलेबल हैं, इन केस कंपनी फिटेड सनशेड ऑलरेडी अवेलेबल है। आपको दिखा दी, अब मैं बूट दिखा देता हूँ। इस गाड़ी की लेंथ बढ़ाई गई है तो इसकी बूट स्पेस काफ़ी इंप्रूव हो गई है पहले से, और कंपनी क्लेम कर रही है कि 500 लीटर्स का बूट स्पेस है। और अगर आप देखें तो वाकई में काफ़ी बड़ा बूट है, लिटरली बहुत ही बड़ा बूट है इसमें। अगर मैं पुरानी वरना से कंपेयर करूँ या पुरानी जो बाकी सेडान्स जिस इसमें अवेलेबल है, तो आई थिंक सेडान्स का यूजुअली 400 के आसपास रहता है बूट स्पेस, बट इसमें 500 लीटर्स का पूरा बूट स्पेस अवेलेबल है और काफ़ी ज़्यादा जगह है। अब इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ कि स्पेयर व्हील आपको मिल रहा है, तो स्पेयर व्हील थोड़ा स्पेस सेवर है, 185 सेक्शन का मिलता है आपको, 185 और 15 इंचज़ का है ये व्हील। और आई थिंक इट आजकल तो हर कंपनी कॉस्ट कटिंग इतनी तो कर ही रही है और इतना तो चलता है, बट 185 सेक्शन आई थिंक यू विल बी एबल टू ड्राइव ऑन द हाईवे, इफ देर इज एनी इशू कोई दिक्कत नहीं होगी, यू विल बी एबल टू यूज दैट टायर। और जैसे आप देख सकते हैं कि अभी ये जो एम्बिएंट लाइट है ये साइड वाली वो भी जल चुकी है, तो ये काफ़ी प्रीमियम सा लुक आ रहा है गाड़ी के साथ। और इधर भी अगर आप देखें तो ये ऐसा काफ़ी स्पोर्टी सा टच देने की कोशिश की गई है यहाँ पे और काफ़ी अच्छी लग रही है। और इसकी एक चीज़ और अच्छी है कि इसके एम्बिएंट लाइट के कलर्स आप चेंज कर सकते हैं, तो इसमें करीबन काफ़ी कलर्स अवेलेबल हैं, उनमें आप चेंज कर सकते हैं इन लाइटिंग को। और अब कुछ गाड़ी स्टार्ट करके एक बार आपको इसका डिस्प्ले दिखाएंगे, तो अगर आप गाड़ी स्टार्ट करोगे तो इसका जो डिजिटल डिस्प्ले है वो काफ़ी देखें काफ़ी अच्छा है, यूनिक। आई थिंक यूनिक तो नहीं है क्योंकि ये i20 और बाकी गाड़ियों में भी यूज़ हो रहा है अभी आज की डेट पे, और काफ़ी बाकी तो ये अच्छा है। और देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि सीट बेल्ट रिमाइंडर आता है यहाँ पे, ये अगर सीट बेल्ट नहीं पहनी है किसी ने पीछे वाले पैसेंजर ने तो यहाँ पे ये दिखाता रहता है।
और इसके अलावा इसमें सारी सेटिंग्स है। अगर आप व्हीकल में जाएंगे तो एम्बिएंट लाइटिंग की सेटिंग है, लाइट्स में एम्बिएंट लाइटिंग ऊपर फर्स्ट वाला, और इसके अंदर आप कलर्स इसमें देख सकते हैं कि इतने सारे कलर्स के ऑप्शन है, प्लस इसमें कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, कस्टम कलर भी आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। मैं आपको ये कलर चेंज करके बताता हूँ, अभी मैं इसमें येलो डालता हूँ तो आप देखिए कि येलो हो गया है लाइट, और ये भी जल रहा है एक्चुअली ओशियन ब्लू, सो नाउ इट्स ब्लू। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इट्स वो आपको दिखेगा, और अभी सनराइज रेड है तो अभी रेड दिख रहा है, प्लस ये ऊपर, और इसके अलावा इसमें कस्टम कलर्स आप लगा सकते हैं, तो अगर आप इसमें से कुछ भी सेलेक्ट करना चाहें कोई भी कलर आपके हिसाब से तो आप वो कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने ये कर दिया है और ये अजीब सा एक पीच कलर्स टाइप्स ले लिया है, तो अभी पीच कलर में है, और ये देखें आप तो ये पीच कलर में हो गई लाइट्स, ध्यान से देखें तो ये लाइट्स हैं, अगर अंधेरा रहेगा तो और अच्छे से दिखेंगी, और काफ़ी प्रीमियम सा लुक आ रहा है। और थी वरना 2023 जो नया ऑल न्यू वरना है, और इस गाड़ी में इसकी लेंथ बढ़ चुकी है, इसकी स्पेस बढ़ चुकी है, और अगर आप देखें तो इसमें पूरा नया स्क्रीन आ गया है, पहले पुरानी वरना से सब कुछ ऑलमोस्ट काफ़ी डिफरेंट तो नहीं है, बट हाँ काफ़ी हद तक काफ़ी प्रीमियम बनाने की कोशिश की, गाड़ी की लेंथ बढ़ गई और ये एक सेगमेंट ऊपर आ गई, पहले सी सेगमेंट सेडान होती थी, अब ये डी सेगमेंट सेडान हो चुकी है, इसकी लेंथ बढ़ चुकी है 500 लीटर्स का जैसे बूट स्पेस आता है इसमें, और काफ़ी इसमें अगर आप इसमें इसके अंदर अगर आप टर्बो वेरियंट लेंगे और ऑटोमेटिक लेंगे तो इसमें ADAS भी अवेलेबल है, रेडार इसमें आगे लगता है ऊपर, इधर यहाँ पे उसमें कैमरा आ जाता है इस वाले में, क्योंकि ये मैनुअल ट्रांसमिशन है तो इसमें ADAS अवेलेबल नहीं है। प्लस एक और चीज़ है, अगर आप टर्बो DCT लेते हैं तो इसके अंदर 4 डिस्क ब्रेक का ऑप्शन आता है, और नॉर्मली 2 ही डिस्क ब्रेक आते हैं। और इसके अलावा ये हमारा वीडियो था, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही वीडियोस के लिए प्लीज़ नोटिफिकेशन की घंटी बजा दीजिए, और हम आपको ऐसी ही किसी एक अगली वीडियो में, अगली कार कोई आएगी तो उसकी वीडियो में आपको बिल्कुल आपको दिखाएंगे।